रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस या कॉमन पोटेंशियल। आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे देखे होंगे और आप छोड़ते गए ऐसे न्यूमेरिकल, मैं भी छोड़ता गया, जिसमें आपको ऐसा कुछ मेंशन था कि आपके पास एक कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर है, आपने उस चार्ज कैपेसिटर के साथ एक अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, थोड़ी देर के बाद दोनों के पास चार्ज आ गया, वो चार्ज कितना था ये बताओ। अब देखो ना, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आज लेकिन थोड़ी देर के बाद ये टॉपिक करने के बाद आप ये आंसर दे पाएंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है, कॉमन पोटेंशियल या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। प्रॉब्लम ये है कि जब भी आपके पास कोई भी दो कैपेसिटर्स हैं, या चलो इमेजिन कर लो आपके पास पहले एक ही कैपेसिटर है, सपोज करो एक कैपेसिटर है सी वन, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की प्लेट्स पे कितना है वी वन, आपके पास एक और कैपेसिटर है सी टू और पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में कितना है वी टू, दोनों चार्ज्ड हैं लेकिन अलग अलग चार्ज हैं। फिर आपने क्या किया, दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया आपस में, इसके पॉजिटिव प्लेट को इसकी पॉजिटिव प्लेट के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये दोनों कैपेसिटर्स आपस में चार्ज को आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेन देन होगा चार्ज का। कब तक होगा, चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल कैपेसिटर से लोअर पोटेंशियल कैपेसिटर तक पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। कब तक मूव करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता सेम। नेचर का लॉ कहता है पोटेंशियल सेम है तो चार्ज मूव करना बंद कर देगा। इस कॉमन पोटेंशियल को बोलते हैं, या ये जो सेम पोटेंशियल इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, और मुझे बताना है कि किसके इक्वल होगा। ठीक, तो लॉजिक समझ में आ रहा है, क्या लॉजिक है कि पहले अलग अलग पोटेंशियल्स हैं, कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो एक नया पोटेंशियल आ जाएगा दोनों के पास, जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा चार्ज मूव करना बंद कर देगा, इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हेन टू कैपेसिटर आर चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल्स एंड कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, चार्ज मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, कब तक, जब तक पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता सेम, इसे क्या बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो मान लो आपके पास एक कैपेसिटर है सी वन जिसकी प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है वी वन, और ऐसी अलग कैपेसिटर है सी टू विद वी टू, तो पहले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है सी वन वी वन, दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज कितना है सी टू वी टू, तो दोनों कैपेसिटर का मिला के चार्ज कितना है जब मैंने उनको कनेक्ट नहीं किया वायर के साथ, अलग अलग ऐड करके बोलो सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया प्लेट्स को, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, चार्ज हवा में तो उड़ने से रहा, रहेगा तो दो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ही, तो दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल थोड़ी देर के बाद वी एंड वी हो गया, वी वन वी टू की जगह वी एंड वी हो गया, तो पहले कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो गया सी वन वी, दूसरे पे चार्ज क्या हो गया सी टू वी, अब टोटल चार्ज क्या हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, ये टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग है, ये टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग टू कैपेसिटर, चार्ज हवा में उड़ा नहीं है, आपस में कैपेसिटर के बीच में पड़ा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन बिफोर शेयरिंग कैपेसिटर्स, मतलब आपस में वायर के कनेक्ट करने से पहले ये टोटल चार्ज है, कनेक्ट करने पे ये टोटल चार्ज है, चार्ज टोटल विल रिमेन सेम, तो यहाँ से कनेक्ट करके वी की वैल्यू आ गई, इसे बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। इसको फॉर्मूले को नोट कर लें, और इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं सी वन वी वन का मतलब है क्यू वन, सी टू वी टू का मतलब है क्यू टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू, एक ही बात है, दोनों फॉर्मूलाज को नोट कर लें अपने फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं ये सुन लो, बहुत आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस, बहुत बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। तो इसमें क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि मान लो वो कहेगा कि आपके पास एक कैपेसिटर है, C1 की वैल्यू 2 माइक्रो फैरेड है और कनेक्टेड विद अ पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट,
आपके पास एक और कैपेसिटर सी टू मान लो 4 माइक्रोफेरेड है और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 4 वोल्ट है, ये दोनों कनेक्टेड है, अलग अलग है। मैंने इन्हें कनेक्ट कर दिया, इसकी पॉजिटिव प्लेट इसकी पॉजिटिव प्लेट के साथ, नेगेटिव नेगेटिव प्लेट के साथ। तो यहाँ पर अब फाइनल C1 का पोटेंशियल V हो जाएगा और C2 का पोटेंशियल भी V हो जाएगा। V की वैल्यू क्या होगी? C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोफेरेड। V1 की वैल्यू कितनी है? 2। C2 कितना है? 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2। तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी, जो भी V आएगा कैलकुलेट हो गया। फिर वो ये पूछेगा कि कैपेसिटर में नया चार्ज कितना है, तो ये चार्ज कितना है? C1 इंटू V। ये चार्ज कितना है? C2 इंटू V। तो C1 इंटू V, C2 इंटू V आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? नया चार्ज कैसे निकलेगा? पहले निकलेगा कॉमन पोटेंशियल, फिर निकलेगा नया चार्ज। कोई डाउट इसमें? टू प्लस फोर, टू, हाँ 2 प्लस 4 आएगा, सॉरी, राइट, 2 प्लस 4 आएगा, राइट। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? सी वन और सी टू, 2 प्लस 4 आएगा, तो निकाल लेना, यहाँ से आंसर आएगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होगा, वो कहेगा एक कैपेसिटर है, सी कैपेसिटेंस है, और मैंने इसको एक बैटरी वी के साथ चार्ज कर दिया। तो एक सी है और एक वी है। फिर वो कहेगा एक और कैपेसिटर है सी, लेकिन वो अनचार्ज है, कुछ नहीं, खाली कैपेसिटर है। ठीक है, वो खाली कैपेसिटर है, मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद नया पोटेंशियल क्या होगा इनके ऊपर? तो अब आप क्या करोगे? कॉमन पोटेंशियल निकालो। C1 इंटू V1 प्लस C2 V2, तो 0 ही है, डिवाइडेड बाय C प्लस C, तो आंसर क्या आ जाएगा? V/2। तो दोनों कैपेसिटर पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V/2, V/2। कोई डाउट इसमें? सही है यहाँ तक? तो अनचार्ज कैपेसिटर जब कनेक्ट होगा तो क्या करना समझ में आ रहा है? और इससे भी ऊपर एक क्वेश्चन जो फंसा लेगा आपको, देखो, वो ये बोलेगा कि आपके पास एक कैपेसिटर है C1, इसके ऊपर पोटेंशियल है V1, एक कैपेसिटर है C2 और पोटेंशियल डिफरेंस है V2। मैंने इन्हें कनेक्ट कर दिया। अगर वो कुछ नहीं बोलता ना, बस ये बोलता है कि मैंने इन्हें कनेक्ट कर दिया, तो पहला आंसर दो, जब ये कनेक्ट हो गए एंड कॉमन पोटेंशियल अटेन हो गया, तो ये दोनों कैपेसिटर्स अब सीरीज में माने जाएंगे कि पैरेलल में? दोनों कैपेसिटर्स मैंने जोड़ दिए, चार्ज शेयर हो गया, कॉमन पोटेंशियल अटेन हो गया, पैरेलल में, क्यों? क्योंकि कॉमन है पोटेंशियल, वी सेम है, कॉमन पोटेंशियल वी सेम हो गया भाई। जब वी सेम हो गया तो दे आर सपोज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो पैरेलल ही रहते हैं। तो जब भी आप न्यूमेरिकल कॉमन पोटेंशियल के करेंगे, उसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 ही होती है, क्योंकि वो पैरेलल में ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर वो कहेगा कि C1 V1 C2 V2 है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है। पहला क्वेश्चन वो कहेगा कि मैंने इन दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ दिया, फाइंड कॉमन पोटेंशियल। बाय डिफॉल्ट अगर वो कुछ नहीं बोलता और बोलता है पैरेलल में जोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली प्लस प्लस और माइनस माइनस के साथ ही कनेक्टेड माने जाते हैं। और आपका कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता है? C1 V1 C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। लेकिन वो अपने क्वेश्चन को चेंज करेगा ही करेगा। क्वेश्चन पूछने वाला कहेगा कि मान लो ये कैपेसिटर है, मान लो ये C2 V2 पे था, पर मैंने क्या किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? वो लिखेगा क्वेश्चन में, गलती से मैंने कैपेसिटर उल्टे जोड़ दिए पैरेलल में। अब उल्टे जोड़ने का मतलब प्लस इज कनेक्टेड विद माइनस एंड माइनस इज कनेक्टेड विद प्लस। अगर वो बोलेगा तो उल्टे जोड़ने हैं, नहीं बोलेगा तो सीधे जोड़ने हैं, राइट? तो फिर आपका जो कॉमन पोटेंशियल आएगा, C1 V1 प्लस नहीं आएगा, C2 V2 बाय C1 प्लस C2 का मॉड आएगा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? माइनस। मुझे तो पता है ना कौन बड़ा कौन छोटा, पर बड़े में से छोटा माइनस होगा। कोई डाउट इसमें? लिख लो फॉर्मूला रजिस्टर में, डायग्राम बना के। कॉमन पोटेंशियल में अगर एक कैपेसिटर सीधा और एक उल्टा,
तो ऐसे करना है आपने, और अगर वो कुछ ना बोले तो फिर प्लस ही लगाना है, बाय डिफॉल्ट प्लस ही आता है, पर अगर कनेक्शन उल्टे जुड़ गए तो फिर माइनस आ जाएगा।